दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो हमारे प्लांट की पत्तियां जो है ग्रीन से येलो हो जाती हैं वो किस कारण से होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये येलो पत्तियां हो रही हैं। तो कुछ प्लांट जो ऐसे होते हैं जो नीचे से ग्रीन होते हैं और उनकी ऊपर की पत्तियाँ जो है येलो हो जाती हैं, इस तरीके से जली जली सी दिखने लगती हैं। ये पत्तियाँ तो गर्मी के कारण जली हुई दिख रही हैं, लेकिन कुछ पत्तियाँ जो होती हैं प्लांट की वो जो है किस कारण से जली हुई दिखती है और उसका मैं एक घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हूँ तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। तो ये जो है मेरा कटिंग से लगा हुआ एक जोरा है, इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी हो रही थी और जब ये थोड़ा ग्रोथ पीरियड में था तो इसकी पत्तियाँ जो है इस तरीके से हो रही थी, ग्रीन से जो है कुछ येलो लाइट ग्रीन कलर आने लगा था। तो मैंने इसमें जो है एक घरेलू उपाय किया था जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ना हमको ऑनलाइन परचेज़ करने की ज़रूरत है, ना ही हमको दुकान पे जाने की ज़रूरत है। घरेलू उपाय से किचन से जो है हम एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड कहिए या फिर जो है स्प्रे कहिए या एप्सम सॉल्ट कहिए। एप्सम सॉल्ट जो है केमिकल होता है जो कि ऑनलाइन या जो खाद्य पदार्थ की दुकान होती हैं, खाद की दुकान होती हैं कृषि वाली, उनके यहाँ पर मिलता है। तो उसका जो है कितने ही भाई बहन जो है नहीं जा पाते हैं, दुकान पर नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन परचेस नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक घरेलू उपाय लेकर आई हूं जिससे कि हमको दुकान पर भी जाना नहीं पड़ेगा और एप्सम सॉल्ट की कमी भी जो है हमारे प्लांट को जो है कमी की पूर्ति हो जाएगी। तो आज मैं आपके साथ में यही शेयर करूँगी। जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हमारे किचन में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, जो ख़राब नहीं होती है कोई भी चीज़, हर चीज़ का जो है अपना एक उपयोग होता है, उसको उपयोग करने का तरीका पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से मैंने एप्सम सॉल्ट बनाया। आप वीडियो भी नहीं देखेंगे, बस ये समझ लेंगे कि बस ऐसे ही एप्सम सॉल्ट बनता है और उसको बनाकर ऐसे ही डाल देंगे। तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, विधि होती है। विधि पूर्वक कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये हैं चने, ये काले वाले चने हैं जो हम सुबह जो है अपने नाश्ते में यूज करते हैं, ब्रेकफास्ट में, और ये जो है उसका पानी है। तो जब हम लोग इसका यूज करते हैं तो ये होता है कि ये बहुत ही मल्टीविटामिन का काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनमें प्रोटीन फाइबर सब कुछ रहता है। तो जैसे हमारे लिए ज़रूरी है प्रोटीन फास्फोरस नाइट्रोजन सब कुछ, तो वैसे ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उतने ही न्यूट्रिएंट जितने हमको ज़रूरी हैं उतने ही न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट को भी ज़रूरी होते हैं। तो इनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर हम इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारी बोन्स जो है हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं। उसी तरीके से इनकी भी जो है स्टेम जो है ये जो हड्डियाँ होती हैं वो भी कमज़ोर इस तरीके से पड़ने लगती हैं। ये इनके सिम्टम्स होते हैं, ये जो ग्रीन से येलो पत्तियाँ होने लगती हैं। तो इनको ठीक करने के लिए हम इनको जो है प्रोटीन देंगे। प्रोटीन जो है चने में बहुत ज़्यादा मल्टीफाइबर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो वैसा ही हम अपने प्लांट को भी देंगे। तो इसी का आज मैं यूज करने वाली हूँ। तो यूज हमको कैसे करना है, ये जो है एक दिन का भिगा हुआ है, मैंने कल नाइट में इसको भिगाया था, सुबह मैंने निकाल लिया और जितना बचा था वो पानी इसमें है। तो अगर हम एक दिन का देते हैं तो हमको जो है इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। तो ये हमारे प्लांट को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बूस्टर जो है काम करेगा। और अगर हम इसको 3 से 4 दिन रखते हैं तो इसमें इस तरीके के बहुत सारे जो है बलून की तरह जो है निकल आएंगे, फर्मेंट हो जाएगा। तो उसको जो है हमको जो है पानी में डाइल्यूट करके देना है। जैसे कि इसका आधा गिलास पानी है तो उसमें आधा गिलास का एक गिलास जो है आधा गिलास अगर इसका ये इसका पानी है चने का तो आपको जो है एक गिलास पानी एक्स्ट्रा ऐड करके तो प्लांट में डाल सकते हैं। और रही बात कि हमको एप्सम सॉल्ट बनाना है तो एप्सम सॉल्ट बनाने के लिए हम जो है बहुत ही बेहतरीन जो है यूज करेंगे ये सफ़ेद चने का, जो हमारे काबुली चने होते हैं।
काबुली चने का पानी जो है बहुत ही अच्छा होता है और हमारे प्लांट में जो है एप्सम सॉल्ट की कमी को पूरा करता है। अगर हम इसको डाल देते हैं तो हमारे प्लांट में जो है इसको हमको डायरेक्ट नहीं डालना है, इसको हमको फोलिएज स्प्रे करना है। काबुली चने का पानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, अगर इसको हम 3 से 4 दिन तक भिगो कर रखते हैं तो इसमें सफ़ेद सफ़ेद इस तरीके से हो जाता है और वो जो है प्रक्रिया बहुत ही अच्छी होती है। वो जो है बहुत सारे इसमें विटामिन्स जो हैं जितने भी रहेंगे आपके प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो इसका पानी जो है आप एप्सम सॉल्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आपके प्लांट में जो है थोड़ा सा जिस तरीके से, जैसे कि हम इसका पानी ले लेते हैं, इस तरीके से हम इसका पानी ले लेंगे, ये आधा गिलास पानी है, ऑलमोस्ट आधा है। तो इसको जो है हम इस स्प्रे बॉटल में डालेंगे और उसके बाद में एक गिलास पानी और ऐड करेंगे। तो हमको जितना लेना है उसका 1 पार्ट जो है ऐड करना है वाटर। इस तरीके से ऐड करने के बाद में इसको जो है आप इसकी पत्तियों पर या किसी भी प्लांट की पत्तियों पर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको ऐसे ही स्प्रे कर देना है। आप सभी प्लांट पर जो है इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसको स्प्रे करने के लिए आपको कोई भी ऐसा टाइम नहीं फिक्स करना है कि आपको जो है सुबह ही इसको डालना है या शाम को ही डालना है। थोड़ी भी धूप हुई तब भी आप डाल सकते हैं। एप्सम सॉल्ट जो केमिकल होता है उसमें फिक्स रहता है कि इसको आपको धूप में नहीं डालना है, लेकिन आप इसको धूप में भी डाल सकते हैं। आप जो है इसको मिट्टी में भी जितना आप चाहें, तो इसको जैसे आप स्प्रे कर रहे हैं तो जितना भी इसकी जो सतह है मिट्टी की उसको जितना भी न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करना रहेगा वो मिट्टी में ले लेगा, बाकी का जो है एक्स्ट्रा निकल जाएगा। पत्तियों से जो है ये बहुत ही अच्छा हेल्दी ग्रीन और अच्छा प्लांट बन जाएगा। तो आप जो है इस देसी नुस्खे को ज़रूर अपनाएं और बहुत ही आसान है। वैसे हम लोग ये पानी फेंक देते हैं या कुछ लोग जो है ये जो चने का पानी रहता है, इस तरीके के चने जो हम यूज करते हैं उनका पानी रहता है उसको, या तो कुछ हमारे बुज़ुर्ग रहते हैं वो इसको पी लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। और ये जो है इसको हम जो है चना फ्राई वगैरह बना लेते हैं। तो आपको जो है ये पानी को फेंकना नहीं है, ये अपने प्लांट में आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। चने का चने की दाल का पानी, तुअर की दाल का पानी, मूंग की दाल का पानी आप इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं अपने प्लांट में। तो आज मैं आपके साथ में यही शेयर करना चाहती थी कि आप घर पर भी एप्सम सॉल्ट बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हूँ तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।